low congruent family. So here I'm Lara Fatima. हेलो कॉमरेड फैमिली, सो हियर आई एम लारा फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल. सो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का आपका एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज. सो एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस क्या है उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपका पूरा डिटेल सिलेबस कि पूरे सेमेस्टर में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या पढ़ना है. ठीक है, सो अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के बीकॉम के किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए हैं सो वो यहाँ पर आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे. एंड जो भी सब्जेक्ट आपके बाकी हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं. एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज. एनवायरमेंटल स्टडीज आपका एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट का. एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, देन हम फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और सारी ही लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. सो वीडियोज देखते रहिए एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो एनवायरमेंटल स्टडीज है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपको गिवन है फर्स्ट है एनवायरमेंट. ठीक है, देखो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, सो पहले एनवायरमेंट का समझना होगा कि एनवायरमेंट का क्या मीनिंग है, क्या इंट्रोडक्शन है. ठीक है, उसको पहले समझना है. एंड देन सेकेंड पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी रिसोर्सेज. बहुत ही ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट है एक तरीके का आपका ये. आप बहुत छोटी क्लासेस से एनवायरमेंट पढ़ते हुए आ रहे हो साइंस में. ठीक है, SST में भी पढ़ाया जाता है. सो इस तरीके के जो टॉपिक है वो आप बहुत पहले से पढ़े हुए हो, बस उसी को थोड़ा सा हाई लेवल पर पढ़ना है. ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है वो मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट है पॉपुलेशन और एनवायरमेंट, चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ रिलेशन, एंड फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, फूड ट्रेड, वर्ल्ड हंगर एंड फूड सिक्योरिटी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, टूरिज्म, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, एनवायरमेंटल कंसर्न एंड इशू, एनवायरमेंट मूवमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट. सो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड इसमें क्या डिटेल सिलेबस पढ़ना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, सो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है आपका एनवायरमेंट का ओवरव्यू. ठीक है, पूरा एनवायरमेंट आपका इंट्रोडक्शन है. फर्स्ट आप देखोगे एनवायरमेंट के बारे में स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, टाइपोलॉजी, नेचुरल एंड ह्यूमन. एंड सेकेंड है इकोसिस्टम एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. इकोसिस्टम जो है वो एनवायरमेंट का ही पार्ट है, तो उसमें कैसे फंक्शन रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इमर्जिंग इशू ऑफ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एज सोर्स एंड डिपोजिटरी ऑफ रिसोर्स, प्रोडक्ट एंड वेस्ट. इन्वायरमेंट से हमें बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोडक्ट बनते हैं एंड वेस्ट बनता है. देन नेक्स्ट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज. ठीक है, सो ये सारे हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे. एंड सेकेंड यूनिट है नेचुरल सोर्सेज की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज रिच एंड रिसोर्सेज पुअर रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और यूटिलाइजेशन. ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं. एंड थर्ड और फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं. थर्ड यूनिट है पॉपुलेशन और एनवायरमेंट से रिलेटेड, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, चेंजिंग पैटर्न, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कंटेम्पररी ट्रेंड ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. सो इसके बारे में केस स्टडीज भी पढ़ने वाले हैं, केस स्टडीज से आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा. सो पॉपुलेशन और एनवायरमेंट आपका थर्ड यूनिट है जिसमें पॉपुलेशन के और एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. देन फोर्थ यूनिट है फूड एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में फूड सोर्सेज क्या है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या है फूड का पूरे वर्ल्ड में, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, लाइव स्टॉक, रियरिंग. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ फूड ट्रेड. जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, और फूड ट्रेड के क्या पैटर्न है, फूड सिक्योरिटी, एक ग्लोबल पैटर्न ऑफ न्यूट्रिशन. सो ये फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे. एंड देन नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट जो है वो रिलेटेड है सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर से. तीन सेक्टर होते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो तो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जो रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रीज से, एंड टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर होता है. सो इसमें देखेंगे बेस ऑफ स्पेशल इंट्रेक्शन, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टाइम एंड स्पेस कन्वीनियंस. एंड नेक्स्ट इज चेंजिंग नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या चेंज हो रहा है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में. टूरिज्म एज इमर्जिंग सर्विस, न्यू टूरिज्म, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एक्सेट्रा, एंड चैलेंजेस बिफोर इंडिया. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर एंड एनवायरमेंटल, क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं टूरिज्म के.
देन नेक्स्ट आपका यूनिट है 6 यूनिट डिजास्टर नेचुरल मैनेजमेंट. डिजास्टर दो तरीके के हैं, नेचुरल जो नेचुरली कामिटीज होती हैं और मैनमेड जो ह्यूमंस के द्वारा होती हैं. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर पढ़ेंगे, कौन सी नेचुरल होती हैं कौन सी मैनमेड होती हैं, नेचुरल हिजार्ड डिजास्टर कॉजेज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट. ठीक है, इनके बारे में केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं. मैनमेड डिजास्टर हो जाएंगे न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल एंड लीकेज, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट यूनिट आपका 7th यूनिट जो है वो रिलेटेड है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड मूवमेंट से. सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, ग्लोबल इशू एंड द नेक्स्ट रीजनल इशू, एसिड रेन, डिजर्टिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज लोकल इशू. लोकल इशू मतलब लोकल रीजनल इशू एंड द नेक्स्ट इज मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. क्या एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं मेजर, उनके बारे में देखेंगे. सो 7th यूनिट आपकी एनवायरमेंटल इशूज और मूवमेंट से रिलेटेड होगी. एंड देन 8th यूनिट में आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होता है क्या है, कॉन्सेप्ट, नीड क्यों है एनवायरमेंट को मैनेज करने की एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की रेलेवेंस. द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस इन इंडिया, इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनली क्या एफर्ट्स होते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल स्टेटमेंट ISO 14000, ISO 16000, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. एंड नेक्स्ट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग टूल और कार्बन बैंक एंड कार्बन क्रेडिट. रोल क्या है टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए, क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं. सो 8th यूनिट जो आपका रहेगा वो रहेगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से. सो आई होप सारे टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गए होंगे कि क्या क्या पढ़ना है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी मैं PDF आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी. जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम बहुत जल्दी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे. सो कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए. सो हम जल्दी ही आपको सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे. सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि क्या सिलेबस है आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. बाकी हम यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे एंड सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो आज की वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस देखा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने में हैं. ठीक है, सो डिटेल सिलेबस देखा एंड फर्स्ट आपका जो है इन्वायरमेंट. तो हम फर्स्ट यहाँ पर लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ओवरव्यू जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उससे स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का लेक्चर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.